इंसान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुजदिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओ हो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुजदिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मैं, मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपोगेंडा किया है कि नाम लड़की का जो भाई था उसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी, लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे आप। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है, तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो, तुम जान, तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया